हेलो एवरीवन, कुक विद भावना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने हेल्दी वेज सैंडविच की रेसिपी लेके आई हूँ, जो खाने में बहुत टेस्टी तो है ही और साथ ही हमारी सेहत के लिए बहुत हेल्दी भी है। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। और रेसिपी शुरू करने से पहले, आपने यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। हेल्दी वेज सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हमने कुछ वेजिटेबल्स ले ली हैं, जिसमें यहाँ मैंने खीरा ले लिया है, टमाटर ले लिया है, यहाँ शिमला मिर्च ले ली है और प्याज, ये सभी चीज़ें बारीक काट के ले ली है, और यहाँ धनिया और पुदीना मिक्स करके और बारीक काट लिया है मैंने। तो धनिया पुदीना भी हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। और इसमें अब कुछ मसाले मिक्स करेंगे हम। आधी छोटी चम्मच नमक ले लिया है मैंने, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, ये आधी छोटी चम्मच से थोड़ा कम है। उसके बाद कुछ चिली फ्लेक्स डाल देंगे हम इसमें। ऑरिगेनो, सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम। अब इसमें हम एक चम्मच मेयोनीज मिक्स कर देते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे। ये ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें, वैसे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है सैंडविच के लिए, तो चलते हैं हम सैंडविच बनाने की तरफ। के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन कर देते हैं और इस पे अब हम थोड़ा घी डाल देंगे। आप चाहें तो बटर भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम हेल्दी सैंडविच बना रहे हैं, तो यहाँ हमने ब्राउन ब्रेड यूज की है। ब्रेड इस पे रख देंगे। और हल्का रोस्ट होने देते हैं ब्रेड को। अब पलट लेते हैं इसे। और पलटने के बाद इस पे हम थोड़ा चीज डाल देंगे, ताकि चीज जो हमारा है वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। और उसके बाद जो हमने स्टफिंग तैयार करके रखी है वो इस पे डाल देंगे, अच्छे से चारों तरफ से कोट करते हुए। और थोड़ा सा चीज हम इसके ऊपर भी डाल देंगे। और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, उसके बाद जो हमने ब्रेड दूसरी तरफ रखी थी उसे हम इस तरीके से रख देंगे। उसके बाद हमें इस पे थोड़ा घी लगा देना है या बटर लगा देना है। और इस तरफ से पलट करके दूसरी तरफ भी हमें घी लगा लेना है। और दोनों तरफ से अच्छे से हम इसे सेक लेते हैं, तो हमारा पहला सैंडविच बिल्कुल तैयार है। इसे हम हटा के और दूसरा सैंडविच बना लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सिक्का है। दूसरा सैंडविच भी उसी प्रकार से, थोड़ा सा घी लगाएंगे हम इस पे और दो ब्रेड रख देंगे। पलट लेते हैं इसे। और उसी प्रकार से
थोड़ा चीज डाल देंगे इन पे। और जो स्टफिंग हमने तैयार की है वो डाल देंगे। फिर से थोड़ा चीज डाल देंगे। थोड़े से चिली फ्लेक्स। और जो दूसरी ब्रेड है उसकी जो गरम वाली साइड है वो हम इस पर लगा देंगे। और दोनों तरफ घी लगा के इसे भी सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा दूसरा सैंडविच भी बनके बिल्कुल तैयार है, बहुत अच्छे से सिक गया है। गैस ऑफ कर देते हैं और इसे भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हमारे सैंडविच बन करके बिल्कुल तैयार है और अब देख लेते हैं हम एक बार इसे काट के कि हमारा सैंडविच अंदर से कैसा बना है। बहुत क्रिस्पी सैंडविच बनके तैयार हुए हैं और इसमें आप अपनी पसंद की जो सब्जी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे सैंडविच बनके तैयार हुए हैं, आप ज़रूर बनाइए इसे। इन सैंडविच को आप चटनी या केचप के साथ सर्व कीजिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। बहुत टेस्टी सैंडविच बनते हैं ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ।